हेलो दोस्तों, दीपक टेक्निकल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे सामने एक सैमसंग का CRT टीवी है जो कि हमारे पास बनने के लिए आया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसको बोर्ड में लगाएंगे, सीरीज में इस तरह कुछ। ये देखिए हमारी लाइट जल गई। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का फॉल्ट है दोस्तों। दोस्तों इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, जो कि हमारे टीवी में हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ये दोस्तों, ये वर्टिकल सेक्शन से प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, वर्टिकल सेक्शन से प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए, देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। इसको दोस्तों वायर निकाल लेंगे पूरे सर्किट बोर्ड से। निकालने के बाद दोस्तों PCB को कुछ इस तरह से पलटेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो पीछे ट्यूब में योक लगा है, उस बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे योक को। जो आगे वाला पिन है, ये हमारा वर्टिकल का है। तो अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में रखेंगे कुछ इस तरह। देखिए इसको टेस्ट करेंगे, हमारा रीडिंग शो होगा 10 ओम से करीब। ये देखिए 9.2। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो योग है बिल्कुल सही है। तो वर्टिकल सेक्शन जो हमारा ये दोस्तों है, ये देखिए उस IC का नंबर होता है 78040, जो कि 25 वोल्ट से चलती है। और दोस्तों इसका जो पहला नंबर पिन होता है, इन्वर्टिंग इनपुट होता है। जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा VCC होता है, जो कि 25 वोल्ट के करीब आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा 24 वोल्ट के करीब आ रहा है। ये देखिए। और दोस्तों तीसरा वाला जो पिन होता है वो हमारा वो वर्टिकल आउट होता है, जो पंप होता है, वो हमारे जो वर्टिकल्स होते हैं उसकी आउट किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, और जो चार नंबर पिन होती है दोस्तों, ये देखिए बीच वाली पट्टी, ये हमारी ग्राउंड होती है। ये पांच नंबर जो दोस्तों होता है वो हमारा वर्टिकल आउट होता है। ये देखिए आउट नहीं कर रहा दोस्तों हमारी। देखिए 6 नंबर पिन पे VCC आ रहा है 25 वोल्ट के करीब। ये देखिए 23.77। इसका मतलब दोस्तों कि हमारे जो IC पे वोल्टेज है 25 वोल्ट, वो हमारा 25 वोल्ट आ रहा है IC पे। जो आउटपुट है 5 नंबर पिन, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे करीब 25 वोल्ट दोस्तों इनपुट हो रहा है। तो उसका आधा वोल्ट आना चाहिए, आधा 12 वोल्ट के करीब। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये जो IC है वो आउट नहीं कर रही है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी जो IC है 78040, जो 25 वोल्ट से चलती है, उसके वोल्टेज जो है इनपुट हो रहा है। जो 5 नंबर पिन होती है, जो हमारा वर्टिकल आउट, जो कि 12 वोल्ट आउट करता है, ये देखिए दोस्तों, ये एक नंबर चाहता है। देखिए दोस्तों ये आउट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि हमारी जो IC 78040 है वो हमारी डेड हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों उसको हम अपने शोल्डर की सहायता से इसको हम अच्छे से इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसको अच्छे से रिमूव करेंगे। सबसे पहले इसको निकाल लेंगे, इसको तो ये देखिए दोस्तों, IC को लगाने के बाद अच्छे से हम सोल्ड कर लेंगे IC को, पॉइंट को अच्छे से सोल्डर की सहायता से। और दोस्तों हमारे जो PCB बोर्ड में जो ट्रैक होते हैं, उसको अच्छे से आप सोल्ड कर लें, नहीं तो अगर आस पास आपस में अगर शॉर्ट होगा तो हमारी IC जो है वो तो ख़राब हो सकती है, और हमारा जो सप्लाई है 25 वोल्ट का वो भी डेड हो सकता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से हम सोल्ड करने के बाद, अच्छे से हम
लिक्विड के सहायता से इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और दोस्तों ये देखिए हमारा जो बोर्ड है कहीं से रिपेयर होकर आया है, इसलिए इसका जो ट्रैक है वो टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों इसको ट्रैक को हम अच्छे से जोड़ लेंगे मिलाकर पॉइंट को। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो वर्टिकल आईसी वो लग चुकी है, हम अच्छे से इसको जोड़ लिए हैं। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसको लाइन में लगाते हैं इसको हम, अब वोल्टेज चेक करते हैं। हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा था 25 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर वोल्टेज चेक करेंगे आईसी में। ये देखिए दोस्तों हमारा जो आईसी है वो आउट कर रही है वोल्टेज 14 वोल्ट। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो 78/40 आईसी होती है जो 25 वोल्ट से चलती है, ठीक उसका आधा आउट करती है, जो कि ये देखिए आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे। ये देखिए हमारा वर्टिकल सेक्शन के पॉइंट पे देखिए हमारा आउट कर रहा है 14 वोल्ट। और ये देखिए दोस्तों हमारा जो आईसी आउट कर रहा है और हमारा देखिए फिगर अच्छे तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका है पूरी तरह से। इसको हम वीडियो लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों ये हमारा वीडियो वाला पॉइंट है। ये देखिए दोस्तों हमारा वीडियो आ चुका है, हमारी आईसी अच्छे से वर्क कर रही है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।